व्हाट्सअप गाइज, दिस इज यश, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो गाइज। सो गाइज, आज की जो वीडियो है उसमें मैं बिगनर्स के लिए लेकर आया प्रॉपर, ये कि जो बिगनर्स हैं यूट्यूब पर, जो लोग नए आए हैं, वो लोग अपना व्लॉग बनाने के लिए एक बेस्ट माइक कहाँ से लें और कौन सा माइक अच्छा रहेगा, क्योंकि नेट पर भी बहुत सारे माइक दिखते हैं, ठीक है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन सा माइक लें हम, कोई अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, और जैसे चेक भी करते हैं उसको तो सब एक जैसे ही दिखते हैं वो, तो इसलिए ना कन्फ्यूज़न हो जाते हैं बहुत सारे कि कौन सा माइक लेना चाहिए यार, सभी तो एक जैसे दिख रहे हैं इसमें से, और कितने तक का हमें माइक लेना चाहिए। तो जैसे अगर आप लोग बिगनर्स हैं अभी, तो आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा मैं कि मैंने एक माइक लिया है अभी, और उससे पहले जितने भी आप मेरी वीडियो देखोगे बिना माइक वाली, और जो माइक वाली वीडियो देखोगे, आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि साउंड क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है। सो मैंने मंगवाया था, मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। मैंने इसको मार्केट से परचेज़ किया था, अराउंड 150-200 रुपये में लिया था मैंने इसको, और मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ये, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, पहले तो दिखाता हूँ ये है वो, ठीक है। मैंने इसको पहले से ही खोल लिया, सो इसमें जब खोलोगे आप तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको इसमें से, देख लो ऐसा ऐसा ये लिपटा होगा इसमें, और इसको हम प्रॉपर ऐसे खोलेंगे तो ये देख सकते हो, ये है हमारा वो माइक, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर दिखा देता हूँ इसको, कितने इसकी वायर है इसकी और क्या इसमें रहेगा। सो ये देख सकते हो आप, ये है जिससे कि आवाज़ ज़्यादा बाहर नहीं जाती है और ज़्यादा खड़खड़ की आवाज़ नहीं आएगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। इसको थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ, ये इसको नीचे रख देता हूँ, ये देखो आप कितना सही इसका वो लग रहा है, ऐसा रहेगा ये प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर ऐसा है। और इसकी वायर करीब आपको इतनी मिल जाएगी, इतनी देख लो मेरा हाथ कितना छोटा, इतनी, ये इतनी बड़ी इसकी वायर है। और इसके जो है ये 3 पिन होता है, ठीक है, ये मिल जाएगा आप लोगों को 3 पिन, ये आपके कोई सही फ़ोन में अच्छे से सूट हो जाएगा। उसकी वायर भी देखोगे ना आप, तो वायर भी इसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी वायर है इसकी, ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी, कटने वटने का डर नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी वायर है इसकी। और इसकी ये देखो कितनी लंबी वायर है इसकी, प्रॉपर। सो ये है मेरा वो माइक जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी जो आप देख रहे हो उसमें मैंने कोई माइक नहीं लगाया, अब मैं ज़्यादातर यही माइक यूज़ करता हूँ अपने लिए, तो आपको दिखा देता हूँ साउंड क्वालिटी में कितना फ़र्क आएगा इससे लगाने से। सो चलो लगा लेते हैं पहले इसको, इसको ऐसे इसमें लगा लेता हूँ, और इसको ऐसे कॉलर पर लगा लेते हैं, लग गया। अब इसको अपने फ़ोन में हम अटैच कर लेते हैं, हाँ हो गया। सो आप लोगों को पहले ऐसे दिखा देता हूँ बोल के, तो अभी आप देख रहे होगे आवाज़ में कितना डिफरेंस आया है, आवाज़ को आपको बाहर की इतनी नॉइस नहीं आ रही होगी, और मेरी प्रॉपर आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी इसमें, कितने सही से बोल रहा हूँ इसमें। सो आप लोग देख के बताना, मुझे तो अब तक बेस्ट लगा है, मेरे लिए तो बेस्ट है। अगर आप लोग बिगनर्स यूट्यूबर्स हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट माइक है जो मुझे अब तक के लिए लगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई आप लोगों को इसमें कुछ लग रहा हो अच्छा नहीं है, देखो आप वैसे भी छोटा सा ही है, देख रहे हो बहुत छोटा सा है, क्यूट सा है थोड़ा, और इसकी पिन भी दी है कि ये पिन, ये देखो, तो एक पिन इतनी हार्ड है, देखो ये पिन जैसे कहते हैं ना निकल जाएगी, तो देखो ये निकलेगी भी नहीं, ये देखो हाथ देखो मेरा कितना तेज़ दब गया इसमें, तो ऐसा होता है ढीला पड़ जाता है, तो ढीला भी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये देखो मेरी मतलब मेरा दर्द भी हो रहा है थोड़ा सा। सो बस इसको ऐसे कूलर पे लगा के, अगर आप लोगों को आवाज़ अच्छी आ रही हो तो प्लीज़ इसको परचेस कर लेना, अच्छा माइक है। मैं इसको कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो मैंने परचेस किया था, और बिगनर यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।